साउथ अफ्रीका के क्विंटन डीकॉक वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस सीजन डीकॉक ने 591 रन अपने नाम किए। 9 मैचों में वे 4 शतक जमा चुके हैं। डीकॉक अब सचिन के वर्ल्ड रिकॉर्ड से केवल 83 रन दूर हैं। बता दें कि वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। सचिन ने 2003 के विश्व कप में 11 मैचों में 673 रन बनाए थे। एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन है। 2007 में हेडन ने 659 रन मारे थे। वर्ल्ड कप 2019 में 5 शतक जड़ने वाले रोहित शर्मा लिस्ट में नंबर 3 पर हैं। वो सीजन 9 मैचों में कप्तान रोहित के बल्ले से 648 रन निकले थे। वर्ल्ड कप 2019 में 647 रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर नंबर 4 पर मौजूद है। तब वार्नर ने 3 शतक और 350 लगाई थी। बांग्लादेश के शाकिब अल हसन लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं। वर्ल्ड कप 2019 में 2 शतक की मदद से शाकिब ने 606 रन बनाए थे। इस साल विश्व कप में 591 रन बना चुके क्विंटन डीकॉक नंबर 6 पर हैं। नंबर 7 पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन का कब्जा है। विलियमसन ने 2019 में 9 पारियों में 578 रन अपने नाम किए थे। वर्ल्ड कप 2023 में 565 रन बना चुके रचिन रविंद्र इस सूची में 8वें पायदान पर हैं। 9 मैचों में रचिन के बल्ले से 3 शतक देखने को मिले। इंग्लैंड के जो रूट लिस्ट में नंबर 9 पर रहे। वर्ल्ड कप 2019 में रूट ने 11 मैचों में 556 रन बनाए थे। टॉप 10 की लिस्ट में 10वें नंबर पर श्रीलंका के महिला जयवर्धने हैं। जयवर्धने ने 2007 के विश्व कप में 548 रन अपने नाम किए थे।